दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह का सोलन पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सरदार मनजीत सिंह सोलन में 550वें प्रकटो उत्सव पर आयोजित रहनसवाई कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। रहनसवाई कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रागी जत्थे कीर्तन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम सपरून गुरुद्वारे से नगर कीर्तन आयोजित किया गया। अध्यक्ष मनजीत सिंह ने कहा कि हिमाचल भी कभी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए यहाँ के लोग पंजाब से काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबी लोग जिन राज्यों में जाकर बसे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई है और वे उस राज्य की शान कहलाते हैं। ऐसा ही कुछ हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि आजकल सिख समुदाय के लोग डेरों के रुख कर रहे हैं, जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लोगों को भ्रमित होने से बचना है, ताकि हम अपने जीवन में कभी भी मार न खा सकें। उन्होंने कहा कि सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कोई भी धर्म हो, वे अपने समुदाय में पक्के होने चाहिए। मैं समझदा कि सिख धर्म दे विच दे तारी किसे गुरु दा किसे संत दा कोई थां नहीं हैगी, और दसम पिता हुक्म करके गए सीगे। दसम पिता चाहते किसे दे तारी नूं गुरगद्दी दे सकदे सी, लेकिन उन्होंने हुक्म कीता कि गुरु ग्रंथ साहिब तो बगैर आपां किसे नूं नतमस्तक नहीं होना। मैं समझदा कि कितना कितना कमजोरी है खाली सिखां च नहीं, सब धर्मां दे लोग डेरियां ते जांदे ने। ओह डेरियां वालिआं दे अपने बच्चे की ने, उन्होंने तुहाडे बेवकूफ बना के भरम भुलेखियां च पा के तुहानू उस पासे नू तोड़ना। मैं समझदा गुरु नानक पातशाह दा दिन मना रहे हो, तो यह भी सामने आएगा कि जेडे लोकी भरम भुलेखियां च पांदे, उन्हां तों ते गुरु नानक ने सानू तोड़िया सी, आपां फिर उस पासे तुर रहे हां, ते असीं मार खावांगे, साडे परिवारां दा नुकसान होएगा। मैं समझदा कि सिवाय एक रब तों, और भावें कोई मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, वह अपने धर्म च पक्का होवे। हरेक सर धर्म जिहड़ा उह सांझी वालता दी गल करदा।